दोस्तों आप देख रहे हैं बाबा दर्शन न्यूज। बाबा दर्शन न्यूज से मैं इनामुल्ला खान रोहतास जिला के नोखा प्रखंड के बराव पंचायत के बराव गांव में बाबा दर्शन न्यूज की टीम आई हुई है और यहां पर मेरी मुलाकात स्वर्गीय श्री चरित्र शाह, एक बड़ा नाम था और बहुत बड़े जानकार थे अपने इलाके में, उनका नाम था, उनके पुत्र यानी इकलौते पुत्र नारायण प्रसाद गुप्ता, नारायण प्रसाद गुप्ता जिनको जादूगर स्वामी के नाम से भी जाना जाता है, वो बहुत बड़े जादूगर हुए और बड़े बड़े शहरों में उनका स्टेज का प्रोग्राम होता था, बड़े बड़े थिएटरों में रहे हैं और फिर वहाँ से आने के बाद वो अपने माता पिता के कुटिया में ही रहने के लिए विवश हो गए। उन्होंने कहा कि मैं अपने इसी घर में रहूँगा जहाँ मेरे माता पिता रहते थे, फ्रांस गए, कनाडा गए और अपने जो सीनियर हैं, जो उनके गुरु थे, उनके बारे में भी वो बताएंगे, उन्हीं से जानना चाहते हैं, नारायण प्रसाद गुप्ता जी से। मैं नारायण प्रसाद गुप्ता उर्फ जादूगर स्वामी के नाम से जाना जाता हूँ। वैसे हमने इस पूरे हिंदुस्तान के हर बड़े शहरों में अपना जादू प्रदर्शन किया और विदेशों में भी, क्योंकि हमारी उस्ताद थी कनाडा की मिस एरिस एंग्लोनियन लेडी थी, उनके साथ में काफ़ी दिन रहा। उस दौरान हम विदेशों में भी हम उनके साथ अपना शो किए, जो विदेश के कई एक शहरों में हमारा शो हुआ उस समय आज से 50 साल पहले तकरीबन, और हिंदुस्तान के हर शहरों में कार्यक्रम करने के बाद। और मैं वैसे कवि भी हूँ, कविता लेखन भी हमारा ये शौक़ है और हमने एक किताब लिखी, एक दुनिया दो दिल। मैं उर्दू, हिंदी और फारसी, ये सभी भाषाओं के समावेश करके मैं कविता लेखन करता हूँ और जो है मैं कविता पाठ और ड्रामे से भी जुड़ा कलाकार रहा। मैं बहुत थिएटरों में, बहुत ड्रामे के बड़े बड़े कंपनियों में भी अपने ड्रामा का एक्टिंग और करके शोहरत हासिल किया और कवि मुशायरों में भी कभी कभी पढ़ने का मौका मिला। रेडियो स्टेशन से भी, लखनऊ से, पटना से भी हमारी कविताएं वगैरह बहुत पहले पूर्व में प्रसारित हो चुकी हैं। और हमको जो है, मैंने बहुत चकाचौंध दुनिया का देखा, बहुत ग्लैमर जीवन जिया, कहीं भी मेरे मन को शांति, बहुत पैसे कमाए। मैं चाहता तो आज बड़े शहरों में रहता, बहुत चकाचौंध दुनिया का मैंने देखा, पैसे भी बहुत कमाए, लेकिन इंसान को कितना ही पैसा कमा ले, दुनिया के चकाचौंध में कितना ही जी ले, लेकिन अंत में उसको आत्म शांति की तलाश सदैव रहती है, हर जीवात्मा को रहती है, हर व्यक्ति को रहती है। तो मेरे को कहीं सुकून नहीं मिला। मैं अपने अपने इस पिता के घर में, पुराने जनरेशन घर में रहता हूँ, यहाँ मुझको परम शांति है, क्योंकि इंसान को जो है ये जो लोभ जो है, लालच जो है, तृष्णा जो है, वो इंसानियत को खा जाती है, ख़त्म कर देती है। और आज हम देख रहे हैं इस परिवेश में, कवि होने के नाते, जादूगर होने के नाते भी मैं देख रहा हूँ और कवि होने के नाते मैं समझ रहा हूँ कि सभी लोग स्वार्थ लोलुप हैं और हवस के शिकार बने हुए हैं। और ये पहले से, आज से 50 साल का मैं अंतराल देख रहा हूँ, आज के परिवेश में ज़्यादा लोगों को पैसे की हवस हो गई है। और जब इंसान को पैसे की हवस हो जाती है तो इंसानियत समाप्त हो जाती है, इंसानियत को खा जाता है, पैसे की हवस जो है इंसानियत को खा जाता है, पैसे की हवस जो है इंसानियत को खा जाता है। ये मैंने अनुभव किया। तो जब से आपके अंदर इंसानियत नहीं होगी, तब से आपको सुकून मिलने वाला नहीं है, पैसा आपको सुकून नहीं दे सकता और चकाचौंध दुनिया की ग्रैंडर आपको शांति नहीं दे सकती। मन को शांत करने के लिए जो है, अपने आवश्यकताओं को आप कम कर दें और हवस को तो इस जीवन से मिटा दें,
क्योंकि सिकंदर जैसा बादशाह जब खाली हाथ गया तो आप कौन हो? कुछ इतिहास से, कुछ बीते हुए पलों से आप उस पर चिंतन मनन करके इस स्थिति तक पहुँचे कि आपके अंदर हवस खत्म हो जाए, पैसे का लोभ खत्म हो जाए। जीने के लिए क्या चाहिए? एक मुट्ठी अनाज, 3 फीट सोने की जगह, तो इससे अधिक चाहिए क्या इंसान को? आपके पास करोड़ों अरबों संपत्ति हो, लेकिन इससे ज़्यादा आप इसका उपयोग नहीं कर सकते। तो मैं अभी के परिवेश में जो देख रहा हूँ, जो मानवता कराह रही है, इंसानियत रो रही है, हर कोई जो है धर्म ईमान कर्म जो है अपने पैसे पर, हमने एक लिखा है बहुत पहले, आज से 40-50 साल पहले, एक जो है आपको सुनाना चाहता हूँ, जैसे कि जमाने के जख्मों का होगा कबीला, समाज की बुराइयाँ कब दूर होंगी। अभी कुछ देर पहले गए हैं जमींदार, मगर वे से बदले ये बैठे हैं जरदार, पता किसको कब तक रहेंगे ये बरकरार, कब तक करेंगे इंसानों पे ये राज, जमाने के जख्मों का होगा कबीला। कलाकार बिकता है, कलाकार बिकता है धन, कलाकार बिकता है फन, बिकते हैं दौलत पे नंगे बदन, बिकते हैं यहाँ 100 के यारों कफन, बिकते हैं पैसे का, कब तक चलेगा ये रिवाज, जमाने के जख्मों का होगा कबीला। इंसान की माँ कब तक बैठेगी बाम पे, पैसे के लिए इतना घटिया सोच का इंसान आज बन गया है, अपने माँ को कोठे पे बैठा दिया है पैसे के लिए, जो मातृशक्ति है वो भी एक पुत्र पैदा करने की सृष्टि में भागीदारी निभाती है, उसको पैसे के लिए बाम यानी कोठा पे बैठा दिया। इंसान की माँ कब तक बैठेगी बाम पे, मानो तू लानत है इंसान के नाम पे, तोलता हर एक शय को दुनिया में दाम पे, बनाया है पैसे को इंसान सरताज, जमाने के जख्मों का होगा इलाज। अमीरों के महलों में रचती है रासे, कोई भूख से तोड़ देता है सासे, ये चलती हुई बेकफन सी है लासे, हर एक ओर से बसे उठती है आवाज, जमाने के जख्मों का होगा कब इलाज। ये इंसान का हवस किस दिन खत्म होगा? और जिस दिन इंसान का हवस खत्म हो जाएगा, उस दिन इंसानियत पैदा हो जाएगी, और इंसान का जो सही स्वरूप है, इंसान को जो चाहिए वो सब मिल जाएगा। केवल हवस को ख़त्म कर देना है, अपनी आवश्यकता की पूर्ति तो हो ही जाएगी। आप कहा दिया है भगवान ने, पैर दिया है, तो आप आवश्यकता की तो पूर्ति दो मुठ्ठी अनाज आपको कहीं मिल जाएगा। मैं जादूगर स्वामी से एक और सवाल करना चाहता हूँ कि आप तो बड़े बड़े शहरों में रहें, कभी ऐसा भी तो दिल में आपके किया होगा कि मैं वहीं ठहर जाऊं, वहीं रुक जाऊं, ऐसा कभी तो अपनी जवानी में तो हुआ होगा इस तरीके का? इसलिए कि आप बोला कि बचपन में ही हम निकल गए थे घर से, और मतलब एक से एक लोग आपसे मिले होंगे, तो कैसा मतलब आपको? हाँ, कभी कभी ऐसा हुआ, कभी कभी जवानी जो है वो उम्र ऐसा है, पीरियड ऐसा है कि उस समय इंसान दिग्भ्रमित हो जाता है। जब इस स्टेज को जब पार करता है तो उसकी बुद्धि और विचार स्थिर हो जाते हैं, और दुनिया को पढ़ चुका होता है, देख चुका होता है, अनुभव जो है और पढ़ाई, वो दुनिया को 50 साल 70 साल पढ़ जब लिया तो उसको हकीकत मालूम हो गई, अपना सही मुकाम मालूम हो गया। और वैसे तो वो तो उम्र ही है, उस समय तो ऐसे भाव निकले कि हम यहीं रह जाएं, यहीं बस जाएं, ये कर दें, ऐसी भावनाएं मैंने होती थी, लेकिन वो भावनाओं को हमने प्रबल होते होने नहीं दिया। भावना के आवेश में भी तो फंसना एक तरह का बहुत ही निंदनीय कार्य है। भावना के परिवेश में नहीं, भाव के परिवेश में आप फंसिए, अपना भाव देखिए। आजकल यही है, लोग न भावना देखते हैं न भाव देखते हैं, आज सिर्फ दाम देखते हैं। पैसा आपके पास है तो आप सब हैं हमारे लिए, अब पैसा नहीं है तो कुछ नहीं है। एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि विदेशों में कौन कौन से, विदेश में जो यात्रा आपने किया है जिन जिन देशों की, उसमें कुछ नाम आप बता देते हैं? जी हाँ, हमने कनाडा में शो किया, और फ्रांस के एक शहरों में शो किया, और इंग्लैंड में भी शो किया। 3 विदेशों में हमने शो अपने जो हमारी थी
स्वर्गीय जो है हमारे गुरु जी, जो उनके साथ में रह के हमने शो किया विदेशों में, तो बहुत शो किया उस समय। जादू का उस समय बहुत काफ़ी मान था, बहुत काफ़ी ये था। अब तो टीवी में, रेडियो में, मोबाइल में सारे बहुत सारे सेक्रेट आउट किए जा रहे हैं। जादू से उतनी अभिरुचि नहीं अभी है लोगों को जितना पहले थी, लेकिन जादू जो है एक विशुद्ध जो है विशुद्ध मनोरंजन है। इसके अंदर कोई अश्लीलता बुराई नहीं है। आप परिवार के हर मेंबर्स के साथ बैठ करके इस शो का फुली इंजॉय ले सकते हैं। और हिंदुस्तान में कौन कौन से शहरों में आप जो है अपना? हाँ, जी जी जी, हिंदुस्तान में हमने शहरों में जैसे बॉम्बे हुआ, कलकत्ता हुआ, दिल्ली हुआ, नागपुर हुआ, इन सब शहरों में इधर जो है, और एमपी के शहर हुए जैसे ग्वालियर हुआ, भिंड मुरैना हुआ, ये सब शहरों में, बहुत सारे शहरों में, कितना नाम कहने से तो बहुत लंबा लिस्ट हो जाएगा, है ना। लेकिन हर स्टेट में जो भी महानगर रहे और जो भी बड़े बड़े शहर रहे, मैं वहाँ 1 महीना 15 दिन अपना शो किया। और कुछ दोस्त आपके होंगे उतने अंतराल में, बड़े कुछ दोस्त भी आपके बने होंगे, उन लोगों का थोड़ा सा नाम ले लेते हैं। जी हाँ, दोस्त कुछ थे जिनसे मेंटली जुड़ाव था, लगाव था, और उस समय से ही मैं सही दृष्टिकोण का आदमी रहा। और हमको जो है वैसे बाबूलाल गौर चीफ मिनिस्टर जो गुजर गए, अभी लेट हो गए, वो उनके साथ भी उनके यहाँ भी हमारा प्रोग्राम हुआ। वो काफ़ी हमको मान सम्मान देते थे और काफ़ी प्रेम करते थे। वो बहुत निश्चल आदमी थे और बड़ी प्रेमी आदमी थे। उनको जो है अहंकार तो कहीं छू नहीं गया था, ऐसे व्यक्ति थे। तो अभी तो गुजर गए, उनकी भी याद आती है, हमारे उस्ताद की याद आती है, हमारी मिस आयरिस जो वो हमारे उस्ताद की वाइफ थी उनकी याद आती है। अब सब यादों के खाते में चले गए मेरे मिलने वाले लोग। अभी प्रेजेंट कुछ लोग हैं जिनसे हमारी बातचीत होती है। नाम बताने की कोशिश कीजिएगा। हाँ हाँ, तो नाम में जैसे आपको हैं बहुत, जैसे एक हमारे दिल्ली के मित्र हैं ये सुधीर अग्रवाल, उनसे हमारी अच्छी दोस्ती है। कलकत्ता के हैं आपको जे महंती, वो जादू के बहुत बड़े मैन्युफैक्चरर हैं, वो मेरे अभिन्न मित्रों में से हैं। और फिर इधर जो है साउथ में भी एक जादूगर हैं हमारे, उनका नाम तो उतना अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन साउथ में हैं वो, मेरे मित्रों से बात होती रहती है हमारी। तो 2-4-5 ही लोग मैंने गिनती के बच गए हैं हमारे उम्र के, क्योंकि मेरी उम्र भी तो हो गई करीब 77 साल, 77 हमारी उम्र हो गई। तो उस उम्र के पायदान में अभी जो लोग हैं और जो लोग हमारे मन के लायक हैं, जिनसे दोस्ती किससे होता है, जब आपका मन मिले, विचार मिले, उसी से दोस्ती उस व्यक्ति की होती है। तो ऐसे लोग हैं, उनसे हमारी बातें होती रहती हैं। और ये पर स्वामी के लिए ये एक चैलेंज कह लीजिए, या कैसा अनुभव आप करते हैं यहाँ पर रहने का? हम अब जो है आडंबरों से दूर और हवस से दूर, यहाँ अपने पिता की इस विरासत में, इस पुराने हवेली में रह के हमको बहुत आत्म शांति मिलती है। अब मैं उस गैम्बलर की दुनिया में, उस हवस की दुनिया को मैं छोड़ चुका हूँ और याद भी अब नहीं करता हूँ। वो कभी कभी याद आता है, लेकिन मैं जानता हूँ कि वो नकली चीज़ था, वो नकली के पीछे हमने घूमा। असली मेरा यही ठिकाना है, जहाँ मेरे पैतृक घर है, मेरे पिताजी रहते थे, इस मिट्टी में हमको परम शांति है, परम आनंद है। आपके दोस्त होंगे बराओं में जो आपके साथ बचपन का गुजरा होगा, उन लोगों का थोड़ा नाम बताने की कोशिश? हाँ हाँ, हमारे दोस्त तो जो थे बचपन के, वो तो ज़्यादातर स्वर्ग सिधार गए। एक मेरे विजेंद्र सिंह मेरे मित्र हैं यहाँ, वो मेरे साथ हम लोग लंगूटिया यार जिसको बोलिए, वो हैं हमारे, वो अभी वर्तमान में जिंदा हैं। यहाँ हरि नारायण सिंह मुखिया जी हैं, जो बिशनपुरा गांव के, मैंने इसी पंचायत के हैं, वो भी मेरे अभिन्न मित्रों में से हैं। और एक सासाराम के हैं वो नगीना बाबू, नगीना प्रसाद गुप्ता, वो भी मेरे अभिन्न मित्रों में से हैं। इन लोगों का सान्निध्य हमको अभी मिल रहा है
और सब लोग तो मेरे उम्र के जो थे वो इस दुनिया को छोड़ चुके। उनका भी नाम वगैरह बता देते जो जो लोग गुजर चुके हैं, जो स्वर्गीय हो चुके हैं। जैसे स्वर्गीय श्याम बिहारी सिंह, ये मेरे अभिन्न मित्रों में से थे, ये गुजर गए। और एक आध लोग और, जैसे एक थे आपको घूरा सिंह, उनका उपनाम था घूरा सिंह, उपनाम ही से सब लोग जानते थे, बहुत कम उम्र के थे, वो भी गुजर गए। तो कुछ लोग गुजर गए, अभी जो हैं उनसे हमारी निस्बत है, संबंध है। बहुत बहुत शुक्रिया नारायण प्रसाद गुप्ता जी, बाबा दर्शन न्यूज़ को समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के आइकॉन को दबाइए।